हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी विषय का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति धारा के कवि सूरदास ने सगुण और निर्गुण की भक्ति में क्या अंतर बताया है, अथवा निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। उत्तर है, निर्गुण भक्ति में भगवान के निराकार रूप को स्वीकारा गया है। इसके विपरीत सगुण भक्ति में भगवान को साकार रूप में व्यक्त किया गया है। निर्गुण भक्ति में ज्ञानवाद का महत्व बड़ा ही सूक्ष्म और चिंतन मन का है। वह जन साधारण की परिधि से बाहर था। ज्ञान की राह तलवार की धार के समान तीखी है, उस पर गमन करना जन सामान्य के लिए दुर्लभ है। निर्गुण भक्ति में भगवान का न कोई रूप है न जाति है, इस फलस्वरूप मानव की बुद्धि चकित हो जाती है। वह इस दुविधा में पड़कर स्वयं को असहाय अनुभव करता है। उस दशा में सगुण भक्ति ही उसकी निराशा में आशा का संचार करती है। अज्ञान अंधकार में भटकते हुए मानव को दीप के रूप में प्रज्वलित होकर एक नई राह दिखाती है। सगुण भक्ति में ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेकर जन सामान्य की पीड़ाओं का निराकरण करता है। इसी आशा में मानव जिंदगी की राह पर निरंतर गतिमान रहता है। इसके विपरीत निर्गुण भक्ति दुरूह एवं अगम्य है।